वेलकम टू द डिफेंस प्रोटेक्शन अकेडमी दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम के पार्ट वन में मैंने आपको बता दिया था कि बायनोमियल थ्योरम के पार्ट वन में मैंने आपको बताया कहां तक बता दिया था, हम लोगों ने बताया था वहां पे लास्ट, हम लोगों ने वहां पे कहां छोड़ा था कि दो पदी, तीन पदी और चार पदी, यानी कि दो पदों के लिए पदों की संख्या निकालना, तीन पदों में पदों की संख्या निकालना और चार पदों में पदों की संख्या निकालना हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई, आगे हम लोग इसमें बायनोमियल थ्योरम में देखेंगे, कुछ नया देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा की थी महत्तम गुणांक की। तो महत्तम गुणांक में हम लोगों ने वहाँ पे सम वाला पद ही डिस्कस किया था, विषम वाला पद क्या हुआ था, छूट गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग आज पहले स्टार्ट करते हैं छूटा हुआ पॉइंट, यानी कि महत्तम गुणांक जब एन क्या हो, एक विषम संख्या हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बायनोमियल थ्योरम के पार्ट टू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैक्सिमम कोफिशिएंट यानी कि महत्तम गुणांक। महत्तम गुणांक में हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे यार इफ एन इज अ ऑड नंबर, यानी कि इफ एन इज़ अ ऑड नंबर, यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि एन जब एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर होती थी तो हम लोग मैक्सिमम कोफिशिएंट यानी कि महत्तम गुणांक आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन अगर एन एक विषम संख्या हो तब हम लोग कैसे मैक्सिमम कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस थोड़ा हम लोग बैक जाते हैं यानी कि पहले वीडियो में जाते हैं। मैंने वहाँ पर आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर एक कराया था कि एक्स प्लस वाई टू द होल पावर 100 के प्रसार में मैक्सिमम कोफिशिएंट यानी कि महत्तम गुणांक ज्ञात करना था, फाइंड आउट करना था। तो मैंने वहां पे यानी कि जब n क्या हो, वैन n क्या हो, इवन नंबर हो यानी कि एक सम संख्या हो, तो वहां पे जो मैक्सिमम कोफिशिएंट यानी कि महत्तम गुणांक जो मैंने वहाँ पे बताया था, क्या बताया था, एन सी एन बाई टू कब, जब एन क्या हो, एक सम संख्या हो, 100 क्या है यानी कि 100 एक क्या है, एक इवन नंबर है, 100 संख्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एन सी एन बाई टू। तो एन सी एन बाई टू यानी कि 100 सी 100 बाई टू इज़ इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि 100 सी 50। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू द एन, एन इज गिवन इज इन अ फॉर्म ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर के फॉर्म में यानी कि सम संख्या के फॉर्म में दिया होता था, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना होता था भाई, एन सी एन बाई टू, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें अगर बात की जाए, अगर मैक्सिमम कोफिशिएंट निकालना हो और एन कैसी हो, ऑड नंबर हो, तो भाई ऑड नंबर के लिए अलग फंडा है, देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इवन नंबर वाला मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वीडियो में आपको मैंने बता दिया था, लेकिन ऑड नंबर वाला वहाँ पे क्या हुआ था, ड्रॉप हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग इसकी भरपाई कर दे रहे हैं भाई, पूरा बताएंगे इसको, टॉपिक कोई छूटा नहीं चाहिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए तो देख लेते हैं भाई, मैक्सिमम कोफिशिएंट यानी कि महत्तम गुणांक व्हेन एन इज़ अ ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, यानी कि एन क्या हो, एक विषम संख्या हो, तब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मैक्सिमम कोफिशिएंट ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई हम लोग सवाल ले लेते हैं भाई, चलिए जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y होल टू द पावर 11 के प्रसार में महत्तम गुणांक क्या होगा, यानी कि 2x प्लस 3y की होल पावर 11 के प्रसार में महत्तम गुणांक हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द एक्सपेंशन इन द टर्म 2x प्लस 3y टू द होल पावर 11, इसके फॉर्म में हम लोगों को महत्तम गुणांक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, n देखेंगे, n यानी कि क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, यानी कि 11 मतलब क्या है, एक ऑड नंबर है, n क्या है आपका, एक
ऑड नंबर यानी कि आपका ये दिया हुआ है, आपका विषम संख्या क्या दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है। तो भाई विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, महत्तम गुणांक है जो मैक्सिमम कोएफिशिएंट होता है व्हेन एन इज़ अ ऑड नंबर। तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट ये आपको याद रखना होगा, इसमें दो होते हैं आपके फार्मूले एन सी एन प्लस वन बाई टू, सेकेंड फार्मूला होता है एन सी एन प्लस थ्री बाई टू। ये कब होता है, जब n इज़ अ ऑड नंबर यानी कि जब n एक क्या हो, विषम संख्या हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस फार्मूले या इन दोनों फार्मूलों को लगाकर। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है एन सी एन प्लस वन बाई टू एन सी एन प्लस थ्री बाई टू। यदि हम लोग बात करें सम गुणांक की, जब n क्या होता था, सम होता था, तो वहाँ पे केवल होता था एन सी एन बाई टू, लेकिन जब विषम है तो एन सी एन प्लस वन बाई टू एन सी एन प्लस थ्री बाई टू होता है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। भाई n क्या दिया हुआ है आपका, n एक विषम संख्या है, क्योंकि n एक क्या है, विषम संख्या है, अतः महत्तम गुणांक यानी कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, एन सी एन प्लस वन बाई टू कामा एन सी एन प्लस थ्री बाई टू। तो चलिए n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 11 पुट करेंगे, यानी कि जो संख्या दी हुई है n की जगह कितना दिया हुआ, 11, एक विषम संख्या दी हुई है। तो 11 प्लस वन बाई टू कामा 11 सी 11 प्लस थ्री बाई टू। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इधर हम लोग देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 11 सी, ये 12 हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा, तो कितना बचेगा 11 सी 6 बचेगा, 12 बाई टू कितना बचेगा 6 कॉमा 11 सी, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बाई टू बचेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 11 सी 7। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे 11C6 11C7, ये क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन था महत्तम गुणांक का, कब, जब n क्या हो, एक विषम संख्या हो। इसके पहले मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कोएफिशिएंट यानी कि महत्तम गुणांक जब n क्या हो, एक सम संख्या हो। तो ये दोनों आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको महत्तम गुणांक का कोई भी सवाल आ जाए, चाहे वो सम संख्या का हो चाहे वो विषम संख्या का हो, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं व्यापक पद की ओर। चलिए भाई हम लोग देख लेते हैं अब व्यापक पद। एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन का आपका प्रसार दिया हुआ है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर जीरो ए की पावर एन। ये आपका क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस ए टू दी होल पावर एन का एक्सपेंशन दिया हुआ है, प्रसार दिया हुआ है। तो इसी प्रसार में हम लोगों का, इसी प्रसार का हम लोगों को क्या बात करना है, व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए टू द होल पावर एन, जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो भाई व्यापक पद इज इक्वल टू आर प्लस वनवा पद, मतलब व्यापक पद का मतलब क्या होता है, आर प्लस वनवा पद, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि व्यापक पद का जो फार्मूला होता है आपका टी एन यानी कि कुल पद होते हैं, टी एन इज इक्वल टू आपका कह सकते हैं आर प्लस वन, इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा किसका, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार का, व्यापक पद का आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल टू टी आर प्लस वन
यानी कि एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये जो फार्मूला है आपका, इसी फार्मूले से आपके ये प्रसार आपके क्या हुए हैं, व्यापक रूप में फैले हुए हैं, यानी कि इनको जो खोला गया है इसी फॉर्म में खोला गया है। ये आपका जो प्रसार यानी कि जो व्यापक रूप है इसी सीरीज़ में यानी कि इसी प्रसार में ही आपका क्या होता है, छिपा होता है। कई कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रसार भी लिखा हुआ होता है। तो चलिए इसको हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पे। प्लस डॉट 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 एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो इंटू ए की पावर एन। ये होता है वास्तविक प्रसार, एक्स प्लस ए की होल पावर एन का वास्तविक प्रसार जो होता है वो ये होता है। लेकिन हम लोग जनरल टर्म्स में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, छिपा लेते हैं, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। जो क्या होता है, व्यापक पद होता है, किसका, प्रसार का, एक्स प्लस ए की होल पावर एन के प्रसार का क्या होता है, व्यापक पद होता है, क्या, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भाई कि एक्स प्लस वाई की होल पावर 10 के प्रसार में आठवां पद यानी कि एर्थ पद ज्ञात करना है हम लोगों को, यानी कि x प्लस वाई की होल पावर 10 के प्रसार में आठवां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये हम लोग ज्ञात कर सकेंगे सिर्फ और सिर्फ व्यापक पद के सहारे से, यानी कि व्यापक पद के सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग इस आठवें पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है x प्लस ए टू दी होल पावर n के फॉर्म में, यानी कि n की वैल्यू अगर देखी जाए तो n आपका कितना दिया हुआ है, n आपका दिया हुआ है 10। कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। व्यापक पद का फार्मूला क्या होता है, यानी कि टी एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, टी आर प्लस वन। इसको कह सकते हैं हम लोग कि आपको ज्ञात क्या करना है, आठवां पद यानी कि टी एन आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको टी एट ज्ञात करना है भाई। तो टी एट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको टी सेवन प्लस वन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फार्मूला क्या होता है कि टी एन इज इक्वल टू टी आर प्लस वन इज इक्वल टू मतलब एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट है, एक्स और ए की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, और ए की वैल्यू क्या है, वाई है, ठीक है ना। एन की वैल्यू आपको पता ही है क्वेश्चन में, और आपको आर की वैल्यू पता है, यानी कि n की जो वैल्यू हुई दी हुई है कितना, 8 दी हुई है, आठवां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। r की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, r की वैल्यू दी हुई है 7 दी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए तो आपको फाइंड आउट करना है टी एट का मान भाई। टी एट का मान आपको यानी कि आठवां पद आपको ज्ञात करना है। तो एन का मान यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन, यानी कि जो एन का मान है वो कितना दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे आपको एन की जगह कितना पुट करना है, आपको 10 पुट करना है। आठ की जगह कितना पुट करना है, आठ की जगह आपको पुट करना है ये 7। तो चलिए पुट करते हैं, हम लोग को फाइंड आउट करना है टी एट यानी कि आठवां पद, हम लोगों को टर्म एट्थ टर्म आपको ज्ञात करना है यानी कि आठवां पद। तो चलिए ज्ञात करते हैं, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, सी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो 10 सी 7, एक्स की मान एक्स ही दी हुई है, ठीक है, एन माइनस आर, एन माइनस आर यानी कि 10 माइनस 7 इंटू
एक जगह कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो वाई की जगह कितना लिखो, वाई की पावर आर, आर यानी कि 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 10c7 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू वाई की पावर कितना हो जाएगा, 7। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10c3, लिख सकते हैं 10c3 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। 10c3 एक्स की पावर कितना लिखा है, 3, वाई की पावर 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर फैक्ट इसको खोल के 10c3 को सॉल्व करके भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने आपको NCR सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया था, आपको बताया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको देख लेते हैं, अगर आपको 10c3 आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे, 10c3 यानी कि 10 को आप 3 डिजिट पीछे यानी कि 3 डिजिट बैक ले जाइए, कहाँ तक, 10, 9, 8, क्योंकि नीचे 3 दिया हुआ है। तो हम लोग जब ऊपर वाली संख्या, कभी भी पहले भी मैंने आपको बताया है कि n का मान यानी कि जो r होता है, r का मान कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकता, n का मान हमेशा r से मान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो r की वैल्यू जितनी दी हुई है नीचे, उतने ही टर्म्स हम लोगों को ऊपर भी पीछे खिसकना होता है और नीचे भी उतने ही टर्म्स हम लोगों को क्या करना, खिसकना होता है। तो 3 दिया हुआ है तो 3, 2, 1 यानी कि 3 टर्म्स हम लोग पीछे नीचे खिसके और ऊपर भी खिसके। तो चलिए 3 2 कितना होता है, 6 होता है, चलिए ऊपर भाग नहीं जाएगा, यानी कि 3 से 9 काट देते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 3 30 और 4 120 120 यानी कि आ जाएगा आपका 120 एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 7। ये क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, x प्लस वाई की होल पावर 10 के प्रसार में आठवां पद ज्ञात करना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन, ऑप्शन में जैसा दिया होगा आपको, ऐसा दिया होगा तो आप ऐसा टिक करेंगे, ऐसा दिया होगा तो आप ऐसा टिक कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इसको सॉल्यूशन अगर पूछ रहा हो आपको, डायरेक्ट आपको किसी संख्या में आपको फाइंड आउट करना होता है, तो आप ऐसे इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 12c0 प्लस 12c1 प्लस 12c2 प्लस 12c3 प्लस .. 12c12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसको आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इस क्वेश्चन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस .. के फॉर्म में दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एन आपको क्या दिख रहा है, एक सम यानी कि सम संख्या दिख रही है, एक आपका इवन नंबर दिख रहा है, यानी कि आपको एन क्या है, इवन नंबर है, इसी जगह आपका कोई भी संख्या हो सकती है, आपका ऑड नंबर भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है आपकी, इवन ऑड कोई भी हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, प्रसार मालूम होना चाहिए, यानी कि प्रसार मैंने आपको क्या बताया, एक्स प्लस ए की होल पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस .. NCN, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या ड्रॉप किया, x की पावर n माइनस 0 इंटू a की पावर 0, x की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर 1, एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू ए की पावर 2, एक्स की पावर एन माइनस 3 इंटू ए की पावर 3। यहाँ पे इसी प्रकार एक्स की पावर 0 हो जाएगा, एन माइनस एन 0 इंटू ए की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसी एक्सपेंशन से, इसी प्रसार से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका एनालाइज करेंगे माइंड में कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जाए कि इसका आंसर निकल आए। तो भाई इसका फार्मूला अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसका कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं पढ़ा है। हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे।
तो फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x और a की जगह हम लोगों को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। यानी कि हम लोगों का कहने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 कॉमा a इज इक्वल टू 1 रखने पर, यानी कि इसको x और a की जगह हम लोग क्या करेंगे, 1 रख देंगे भाई, 1 रख के देख लेते हैं। तो x की जगह 1 रख दिया, a की जगह 1 रख दिया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी x की जगह क्या रखना है, 1, a की जगह 1, तो यानी कि 1 की पावर कितनी भी हो जाए, यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगी, 1 की पावर 1 हो जाएगी, 1 की पावर 2 हो जाएगी, 1 की पावर n माइनस 2 हो जाएगी। मैंने आपको काफ़ी बार वीडियो में बताया कि 1 की पावर भाई, 1 की पावर कितनी भी हो जाए, 200 हो जाए, चाहे 2000 हो जाए, चाहे 20000 हो जाए, चाहे 200000 हो जाए, चाहे इन्फिनिटी हो जाए, चाहे जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका मान जो होता है वो कितना होता है, हमेशा एक ही होता है। 1 की पावर कुछ भी हो जाए उसका मान हमेशा क्या होता है भाई, एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं, तो ये हो गया 1+1 यानी कि 2 की पावर n इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो, चूँकि ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एन सी ज़ीरो प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एन सी 1 प्लस क्या हो जाएगा, एन सी 2 प्लस एन सी 3 प्लस क्या हो जाएगा, डॉट 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 एन सी n। तो ये आपका क्या हो गया, एक फार्मूला तैयार होके आ गया आपके सामने कि एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 3 प्लस डॉट 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 एन सी n इज इक्वल टू कितना होता है, 2 की पावर n, ठीक है भाई। तो ये आपका आपको क्या आ गया, फार्मूला आ गया। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 0 से स्टार्टिंग है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 इसकी कोई अभी तक सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि ये अनंत तक भाई, n तक, यानी कि n टर्म्स कुछ भी हो सकता है वापस। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें आपका 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो यानी कि इसमें सम पद भी हैं, विषम पद भी हैं, ठीक है ना। तो भाई इसको अगर हम लोग सम पदों के लिए अलग फार्मूला अगर तैयार करें, तो ये जो आपको फार्मूला टोटल दिख रहा है 2 की पावर n, तो भाई जो सम और विषम पदों का जो योगफल है वही मिलके 2 की पावर n बना होगा, ठीक है ना। तो जो अगर सम पद और विषम पद अगर अलग अलग किए जाएं, तो ये क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इफ़ n सम संख्या हो, तो भाई सम संख्या हो तो कौन कौन से पद लेंगे हम लोग, एन सी 0 से स्टार्टिंग होगी, प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4 प्लस डॉट 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 एन सी एन तक। तो ये एन क्या है, सम संख्या है। यदि एन क्या हो भाई, एक सम संख्या हो, तो एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4 प्लस डॉट 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 एन सी एन, इसका जो मान होगा वो कितना होगा, चूँकि मैंने आपको बताया कि क्या हो जाए, ये सम पद और विषम पद मिला के ही 2 की पावर n आपका बना हुआ है। जब सम और विषम पद को हम लोग आपस में अलग अलग बांट देंगे तो कितने हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो भाई कितना हो जाएगा, ये आपका 2 की पावर n बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सम पद है। अब अगर विषम पद की अगर बात करें हम लोग, तो एन सी एन प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 5 प्लस एन सी 7 प्लस डॉट 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 एन सी एन, कब, जब n एक क्या हो, विषम संख्या हो। ये आपको याद रखना है कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि जब n आपको सम संख्या हो, तो वहाँ पे एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4 प्लस डॉट 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 एन सी एन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल आपका होता था 2 की पावर n। लेकिन जो सम और विषम जो पद होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, आधे आधे होते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर n बाई 2 हो जाएगा। अब विषम में भी वही कंडीशन होगी, टोटल कितने होते थे, सम विषम टोटल 2 की पावर n होते थे, लेकिन जब डिवाइड हो गया, आधे आधे हो गए भाई, सम वाले अलग हो गए, विषम वाले अलग हो गए, तो 2 की पावर n बाई 2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये 2 की पावर n दिया हुआ है, ये 2 की पावर कितना दिया हुआ है, 1। आपने लॉग का रूल पढ़ा होगा कि जो 2 की पावर n, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n, ये आपका क्या है, 2 की पावर 1 दिया हुआ है,
जब डिवाइड में होता है तो घातें क्या होती हैं भाई, घट जाती हैं। अगर कब, जब बेस क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बेस समान है भाई, टू टू दोनों दिया हुआ है, इसकी घात एन है, इसकी पावर कितनी है, वन है। इसको हम लोग वन लिख सकते हैं, टू की पावर एन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टू ही आंसर आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू की पावर एन बटे टू की पावर वन। तो भाई भाग में क्या होता है, घातें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं, गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो ये भाग में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। आगे आपको समझ में, ये कब होगा कंडीशन, जब एन क्या हो, एक सम संख्या हो। विषम में भी वही सिचुएशन होगी, टू की पावर एन बाई टू, टू की पावर इसको वन लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है भाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टू की पावर एन माइनस वन, क्योंकि भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो टू की पावर एन इस किसका भी निकलेगा, विषम का भी निकलेगा, सम का भी निकलेगा। और टोटल अगर टर्म्स की बात की जाए तो एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन, यानी कि इसमें सम वाले पद भी हैं, विषम वाले पद भी हैं, यानी कि जो टोटल टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, टू की पावर एन होंगे। ये आपका सम वाला दिया हुआ है, ये आपका विषम वाला दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो दो सेकंड के लिए आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, प्रसार में जो सम पदों के गुणांक होंगे वो उसी प्रसार में विषम पदों के गुणांक क्या होंगे, समान होंगे। वहाँ पे मैंने आपको क्या, अभी पिछले जो भी मैंने आपको बताया टू की पावर एन सम विषम में, उसमें मैंने आपको एन को सम विषम के उसमें फॉर्म में बता दिया है भाई। एन से कोई लेना देना नहीं है, एन आपको कोई भी दिया हो सकता है, आपका सम दिया हो सकता है, विषम दिया हो सकता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, एन से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो गुणांक देखने हैं आपको, यानी कि सी ज़ीरो सी वन सी टू सी थ्री, ये जो गुणांक होते हैं इनको आपको देख के चलना है कि ये आपके सम है या विषम है। तो सम विषम आप अच्छी तरह जानते हैं, जीरो दो चार छः आठ दस डॉट 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 एन तक जो होते हैं संख्याएं वो सम के अंतर्गत आती हैं। विषम स्टार्टिंग होता है वन थ्री, यानी वन थ्री फाइव सेवन नाइन डॉट 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 एन तक। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एन से हम लोग सम विषम फाइंड आउट नहीं करना है, हम लोगों को एन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, तो भाई इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रसार में सम पदों का गुणांक विषम पदों के गुणांक के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि बराबर होता भी है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है इसका कि एन सी ज़ीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस डॉट 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 एन सी एन इज इक्वल टू आपका होता है एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस डॉट 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 एन सी एन इज इक्वल टू क्या होता है, टू की पावर एन माइनस वन होता है। क्या होता है, टू की पावर एन माइनस वन होता है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, यानी कि सम पदों का जो गुणांक होता है वो विषम पदों के गुणांक के बराबर होता है, कहाँ पे, प्रसार में। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C3 प्लस डॉट 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 12C12, यानी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको सम और विषम टोटल पद, यानी कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 12 तक, यानी कि n तक आपको पद क्या हुए हैं, ज्ञात है। यानी कि इसमें ना आपका सम का दिया हुआ है ना आपका विषम का दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको 12, यानी कि आपको n देख के नहीं चलना है, आपको केवल गुणांक देख के चलने हैं, यानी कि C0 C1 C2 C3 C12 ये आपको देख के चलना है, ना कि आपको 12। इससे आपको यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। तो ये आपका फॉर्म दिया हुआ है आपका NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN। तो इसका अभी हम लोगों ने ऊपर फार्मूला क्या बताया था, 2 की पावर n। जब सम होता है तो वहाँ क्या होता है, 2 की पावर n माइनस वन होता है। जब विषम होता है तो क्या होता है, 2 की पावर n माइनस वन होता है। लेकिन जब टोटल सम और विषम दोनों आपस में ऐड होते हैं, एक सीरीज़ होती है जो आपके गुणांक टोटल गुणांक होते हैं,
तो वहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर n होता है फार्मूला। तो इसमें अप्लाई करेंगे, चूँकि इसमें टोटल सम और विषम दोनों ही गुणांक आपको देखने को मिल रहे हैं, तो भाई 2 की पावर n, n का मान कितना दिया हुआ है 12, अब यहाँ पे n का यूज़ होगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दिया हुआ है आपका, इसमें गुणांक आपको नज़र आ रहे होंगे 0, 2, 4, ...10 तक, यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है सम। सम गुणांक पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने आपको जो टोटल, यानी कि टोटल गुणांक आपको दिए होते हैं उससे क्वेश्चन रिलेटेड कराया, अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ सम गुणांकों पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस ...NCN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने आपको सम के लिए जो सूत्र बताया था सम गुणांक के लिए, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, 2 की पावर n माइनस 1। विषम के लिए भी सेम कंडीशन, 2 की पावर n माइनस 1। जब टोटल होते हैं तो कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। तो ये आपका कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, NC2 प्लस NC4 प्लस ...NCN इज इक्वल टू क्या होता था, 2 की पावर n माइनस 1। जब गुणांक ऐसे होते थे, सम होते थे, तो ये आपका सम कंडीशन दिख रही होगी, ये आपके सम कंडीशन में दिखे हुए हैं गुणांक, आपको कैसे दिख रहे हैं सम की कंडीशन में 0, 2, 4, ...10 तक। तो चलिए इसका फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n कितना दिया हुआ है 10, तो 10 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया हुआ है, रिलेटेड है आपका विषम यानी कि ऑड कोएफिशिएंट से। तो भाई 11C1 प्लस 11C3 प्लस 11C5 प्लस ...11C11 यानी कि आपका फॉर्म कौन सा दिया हुआ है भाई, फॉर्म आपका दिया हुआ है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस ...NCN इस फॉर्म में दिया हुआ था। तो उसका आंसर यानी कि जो उसका सूत्र था क्या होता था, विषम के लिए, विषम गुणांक के लिए यानी कि C1 C3 C5 ...CN तक। तो इसका मैंने आपको क्या बताया अभी, 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि सम के लिए भी इतना ही होता है, विषम के लिए भी कितना होता है, 2 की पावर n माइनस 1 होता है। जब टोटल गुणांक होते हैं तो कितना होता है, 2 की पावर n होता है। तो ये आपका कंडीशन कैसी दिख रही है, विषम कोएफिशिएंट वाली यानी कि सॉरी ऑड कोएफिशिएंट वाली कंडीशन आपको दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n माइनस 1 का, तो 2 की पावर n की जगह कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 10। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी में आपको कुछ मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, पूरी सीरीज ना देके 11C10 तक या 11C9 तक ही दिया होगा, उसमें आपको आगे कंडीशंस दी होगी और आपको आंसर क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी बायनोमियल थ्योरम आज हम लोग यहीं पे इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होगा वो आपका कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा, ट्रिकी होगा, क्योंकि उसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मिडिल टर्म्स ज्ञात करना है, और उसमें हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का गुणांक ज्ञात करना है, और काफ़ी चीज़ें जो छूट गई हैं यानी कि जो अभी शेष बाकी हैं, तो वो पार्ट 3 में कराया जाएगा। और उसी पार्ट 3 से हम लोग बायनोमियल थ्योरम को क्या बोलेंगे, अलविदा बोलेंगे। उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड, यानी कि कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी कराए हैं, रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आज आपका अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।